लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही सत्ता के हुक्मरानों में किसान प्रेम झलकने लगा है। सालों से हैरान परेशान किसानों का दर्द भी अब उनको दिखाई देने लगा है। विधायक और मंत्री भोली भाली जनता को फिर सपने दिखाने लगी है और ग्रामीणों को सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के सपने दिखाकर राजनीतिक विषाद पर अपने मोहरे सजा रहे हैं। झारखंड के कोल्हान में ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में किसानों को कई दशकों से खेतों में सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसी दर्द पर शिलान्यास का मलहम लगाने सूबे के जल संसाधन मंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी और स्थानीय विधायक साधु चरण महतो पहुँचे। 34 करोड़ से अधिक की योजना है, लगभग 18 किलोमीटर की यह योजना है और इसके बाद भी जो भी हमारा इसी योजना में छोटा छोटा ब्रांच है, सभी ब्रांचों को हम लोग बनाएंगे ताकि और ये साल भर के अंदर हम समझते हैं कि अगले साल जो बरसात से पहले हम लोग इस योजना को हम लोग पूरा करेंगे ताकि यहाँ के खेतों में हम लोग पानी दे सकें। विधायक जी के साथ भी हम लोगों ने बैठक किया है, कुछ तकनीकी अड़चने हैं जिसको हम लोग दूर करने का प्रयास बहुत काफ़ी हद तक हम लोग उसमें सफलता भी मिला है, लेकिन हम आप लोगों को आश्वस्त करते हैं क्योंकि विस्थापन का दर्द हमें भी अभी कुछ गोलांचल क्षेत्र में विस्थापित हुए हैं, इसलिए मैं निश्चित तौर पर आप लोगों के द्वारा यही आश्वस्त करता हूँ लोगों को कि विस्थापितों को पूरा हक मिलेगा। बता दें कि 1965 में 18 किलोमीटर लंबी नहर जिसमें करीब 27 गांव के खेतों में सिंचाई होनी थी, लेकिन वो नहर देख रेख के अभाव में ही बंद हो गई और खामियाजा यहां के किसानों को भुगतना पड़ा। अब देखना ये होगा कि ग्रामीणों को एक बार वादों का गुलदस्ता तो थमा दिया गया, लेकिन कार्य धरातल पर कितना हो पाता है। जमशेदपुर से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट।